بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قال الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وقال تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامه ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض رواه البخاري ومسلم الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعريف كل قسم हमेशा उसे अल्लाह रबीन के लिए है जिस एक अल्लाह अल्लाबीन ने हम सब को दुनिया में इसलिए पैदा किया कि हम उस पर ईमान लाएं और उसकी बंदगी करें इस तरह के उसके साथ किसी को शरीक न करें सुबह आदमा शान सुबह अल्लाह बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामबिया मोहम्मद रसूल सल्हसम की दाति पर कि जिन्होंने हम तक अल्लाह का दीन पहुँचाया तोहद की तालीम दी अल्लाह का हक बताया और अदा करने का हुक्म फरमाया शर्क और बिदात से दूर रहने और बातिल अकीदों से इज्तना करने की ताकीद फ़रमाई मसलिलहमद कमलब्राहिम्राहिमीद मबाराद कमारकालब्राहिम्राहीमदमी हमदलात के बाद तीन शाबान 1439 हिजरी मुताबिक 19 अप्रैल 2018 ईस्वी अकीदत तहविया कादर साहब की खिदमत में पे पेश है आज की इबारत 119 120 और 121 पढ़ने के लिए मैं तालिबे इल्म अब्दुल वारिस को दावत देता हूं आएं और आज की अकीदे की ये इबारत अकीदत तहविया की पढ़कर सुनाएं بسم الله الرحمن قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: "ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين، فقد كفر، وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى". अल्लाह जज़ाए खैर दे और अल्लाह तब के इल्म और उमर और अमल में ज्यादीता फ़रमाया आमीन रबी जैसा कि आप जानते हैं ये अकीद तहविया का दर्स है अकीदे का दर्स है मतलब किताब सुन्नत की रोशनी में अकीदे की बातें जो लिखी गई हैं इस किताब में इमाम अबू जाफ़र तहावी ने अक़ीद तहविया के नाम से जो किताब लिखी है उसकी इबारतें हम पढ़ रहे हैं कि जिन इबारात में या जिस किताब में अहल सुन्ना वजमा का सच्चा अकीदा खालिस अकीदा जो कुरानी आयात और अल्लाह के नबी नबीम के हदीस की रोशनी में है उसको यहाँ पर बयान कर रहे हैं एक के बाद एक अकीदे की बातें आ रही हैं बहुत सारी बातें अब तक हमने 118 पॉइंट्स अकीदे के पढ़े हैं कितने One, one, eight, आज जो है एक सौ उन्नीस एक सौ बीस एक सौ इक्कीस आपको किताब दी गई है ऐसी है ना तरतीब आज जो इल्म ने, पढ़ी एक सौ उन्नीस और एक सौ बीस और एक सौ इक्कीस तर्जमा सुनिए फिर तशरी भी आपकी खिदमत पर पेश करेंगे इनशाला इमाम अबू शाफर अब तहावी बयान फरमाते हैं वाला वो यानी अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है और कोई किसी हर चीज का मालिक नहीं है वह यमले को लई अल्लाह हर चीज का मालिक है यमले को हू शई और उसका कोई मालिक नहीं उसका कोई मालिक नहीं किसका अल्लाह का ल, वला वलाना عنه ولا غنى عنه ولا غنى عنه تعالى ولا غنى عن الله ولا غنى عن الله تعالى طرفه عين ومن استغنى عن الله طرفه عين فقد كفر وكان من الجحيم اهل الجحيم اهل اهل الحين وكان من وصار من اهل الحين كامت لابسكار आलमीन से किसी को पलक झपने के बराबर भी बेनियाजी नहीं है बेनियाजी नहीं है अल्लाह तबारक तआला की तरफ से अल्लाह तबारक तआला से पलक झपने के बराबर भी किसी को बेनियाजी नहीं है वन और जो ये समझे के उसको पलक झपने के बराबर अल्लाह की जरूरत नहीं है फ़कत कफर तो वो काफिर हो जाएगा वो क्या होगा काफिर होगा वकान अमिन और हलाक होने वालों में से हो जाएगा हलाक होने वालों में से हो जाएगा नंबर तीन एक सौ इक्कीस और अल्लाह ताला तुस्सा होता है और खुश होता है अल्लाह ताला तुस्सा होता है और राजी होता है खुश होता है मखलूक में से किसी की तरह नहीं वराने मखलूक वराने मखलूक तो तीन पॉइंट्स तीन अलग अलग पॉइंट्स पहला जो नुकता है एक सौ उन्नीस में जो बयान किया इमाम अबू जाफर और वह है अल्लाह तबारक वाली की सिफत मुल्क अल्लाह विकु लशी वाला वो हर चीज का मालिक है और उसका कोई मालिक नहीं ये है अल्लाह तबारक क्या है हर चीज का मालिक है और उसका कोई मालिक है? नहीं है यहां इसमें जमा का ये अकीदा बयान किया जा रहा है कि अल्लाह तला मालिकुल मुल्क है अल्लाह के नामों में से एक नाम मालिक है अल्लाह की सिफतों में से एक सिफत बादशाहत मुल्क मालिक इनाम अल्लाह ताला का मालिक योद्दीन मलिकी योम दोनों किरातें सही हैं फातिहा में यह है अलहमदिल्लाबीन और, और रहीम मालिक योद्दीन और एक किरात भी सही है मलिकी योम अगर कोई मलिकी योद्दीन पढ़े वो भी सही है आपको पता है सात तरीके से कुरान का नजूल हुआ है मालिकी या उमदीन ये भी सही है मालिक का मतलब बादशाह मालिक का मतलब बादशाह अल्लाह आलमीन की यह सिफत है कि वो हकीकी बादशाह है हर चीज पर उसकी हुकूमत चलती है अलखल खल्कु वल मुल्कू मुल्क मखलूक किसकी है उसकी है मुल्क किसका है उसका है कुरान में कितनी जगह आपने पढ़ा होगा ये बात कि अल्लाह को बयान किया कि अल्लाह हर चीज का मालिक है

بچو قرآن میں قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل اني رسول الله اليكم جميعا قل کا معنی کیا ہے کہہ دیجئے اللہ تعالی آرڈر محمد الرسول الله قل آپ کہہ دیجئے مطلب ہے قل؟ से ओ प्रॉफिट मोहम्मद ए नबी आप कह दीजिए कुल ऑर्डर है कुल, कुल का वर्ड का माना से अल्लाह नबी नबीम को कह रहा है से टू दीपुल से जो भी है आगे आगे आता है वो से व्हाट से ठीक है तो यहां क्या है कुल कहिए अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बहुत है ये भी दुआओं में बहुत आता है अल्लाहुम्मा मालूम है बच्चे बच्चों बच्चों को मालूम है ना अल्लाह की कोई दुआ किसी बच्चे को याद है हाँ अल्लाह आईन अला दिख जबरदस्त दुआ माशा और एक कोई किसी बच्चे को जो है अल्लाह की कोई और एक दुआ बताइए जी बेटा अल्लाह का मिनल खूबसी और दो हो गए अब तीसरे जो है फजैल अल्लाह से कोई दुआ जल्दी क्या बात है माशा जियो अल्लाह रबा

मालूम है आपको बड़े लोगों से मुझे ये कुल कुल नहीं मालूम कुछ है कुल कुल का माना नहीं मालूम है कुल कितना है कुरान और अल्लाह कितना है कुरान में कितना है अल्लाह अल्लाब क्या मतलब ए मालिक बादशाह है मालिक यानी बादशाह मुल्क यानी मुल्क मुल्क का मालिक है तू पूरी कायनात एक मुल्क है इसका तू मालिक है तू मुल्क मंतशा तू जिसको चाहता है मुल्क देता है तो अल्लाह दिए तो हम एक्सेप्ट करना नहीं करना फिर क्यों बगावतें क्यों जो है हुकूमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना ये मनज नहीं है अल्लाह का अल्लाह ने दे दिया है तो उतिल मुल्क मंतशा किसी मुसलमान को अल्लाह ने मुल्क दिया है तो आपको एक्सेप्ट करना है बगावतें करना ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करना ये इस्लामी तरीका नहीं है ठीक है हुकूक मांगने का तरीका होता है प्रोटेस्ट करना मुनाजरे करना बाहर निकलना रोड़ों पे औरतों को निकालना ये इस्लामी तरीका नहीं है इससे इतना और बढ़ता है खराबा और होता है समझ में कितने हुक्मरान दुनिया में गुजरे हैं हुक्मरान दो किस्म के होते हैं अच्छे और बुरे। अच्छा है तो बहुत अच्छा है बुरा है तो उसकी बुराई उसके साथ है आप बाहर निकल के उसके खिलाफ बोलेंगे तो आपके साथ मासूमों की जान जाएगी खराबा होगा नुकसान आम होगा इसीलिए शरीयत ने फरमाया कि खामोश पड़ो नबीलाम की हदीस है हदीत हैद्दीन की हदीस है। जिसमें हमने कहा कि अगर वो तुमको तुम्हारी पीठ पर कोड़ा मारे तुम्हारा माल छीने तब भी बगावत नहीं करना उसके खिलाफ और बगावत दो किस्म की होती है एक सिनानी एक लिसानी जबान से भी बगावतें होती हैं बुराई करना बोलना बाहर ये मनहज नहीं है तरीका नहीं है ये दूसरी तलवार से दोनों गलत है, इसका हमेशा नुकसान हुआ है। गुजारे उसके समय किसी साहबी ने प्रोटेस्ट किया बगावत की उसके खिलाफ आवाज उठाई उसके खिलाफ नहीं सबर की है क्या करेंगे मुसीबत है, है। सबर करेंगे। उसकी बुराई का बदला अल्लाह उसको देगा इनके सबर का फल इनको सबर करने से मुसीबतें खत्म हो जाती हैं इमाम अहमद हंबल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी एक बादशाह आया था जो बुरा था जिसने जो एक फितना उठाया हुआ था खल्के कुरान का कि कुरान को मखलूक बोलो कुरान को मखलूक बोलने का फतवा दो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा नहीं दिया जेल में डाल दिया गया कैद कर दिया गया मारा गया पीटा गया सताया गया सब्र किया फितना खत्म हुआ या नहीं हुआ आज है सब्र से फित खत्म होते गए ये तरीका नहीं होता है कि आदमी जो है आवाज उठाए पहराए ये अलग मौजू है यहां बात आ गई तो मुल्क अल्लाह जिसको चाहे दे मुल्क अल्लाह जिसको चाहे दे इसीलिए अगर कोई अपने पावर से अपनी कुत से बादशाह बन जाए तो उसकी बादशाह इस्लाम में तस्लीम की जाएगी यूट्यूब पे हमारी एक तकरीर है पुरानी आ, क्या है वो इस्लाम में बादशाहत का बादशाह इस्लाम की नजर में बादशाह इस्लाम की नजर में उसको चेक कर ले तो पूरी तफस वहां मिलेगी दलीलें मैंने दी है वहां पर बादशाह के लिए यहाँ ईसायत में ये बात बताई गई कि माखल मालिक हर चीज का मालिक इंसानों को जो मुल्क अल्लाह ने दिया है उसका भी अल्लाह तालिक है जिसके मुताह के दिन पूछेगा हिसाब लेगा कुरान में बहुत सारी ऐसी आयतें मिलती हैं जिसमें यही एक आयती है दूसरी वो मुल्क की मशहूर आपको पता है, मुल्क बाबरकत है वो जिसके हाथ में, मुल्क है। जिसके हाथ में। इसी तरीके से और एक आयत फी हर चीज की बादशाह हर चीज की बादशाह

जमीन कितनी है 400 स्क्वायर फीट। एक किलोमीटर जमीन कितनी जमीन है टोटल कितनी जमीने है? हैं बहुत बहुत जमीने नंबर ऑफ जमीन अर्थ हाउ मेनी अर्थ कितनी जमीने हैं बड़े एक कल से यहां बैठना नेक्स्ट जुमेरा सामने बैठना एक जमीन है हा और एक कहा है बच्चे किधर गए हाँ बेटा सात जमीन है एक बोले आप हाँ, तो अल्लाह तबारक अल्लाह तल्ला तबारक वालत के दिन जमीन को अपनी मुठ्ठी में लेगा वीनी और आसमान को अपने दायने हाथ में लपेटेगा जमीन को अल्लाह तीन मुठ्ठी में लेगा यह हदीस है और इसी माने की आयत मौजूद है कुरान कुरान में गुरान में आयत भी है यही मीनिंग है उसमें कि जमीन अल्लाह की मुठ्ठी में होगी और आसमान तुम भी यमीन कुरान में लपेटे हुए होंगे आसमान अल्लाह के दायने हाथ में देखिए अल्लाह जो बता रहे यमली कुल लश हर चीज का अल्लाह मालिक है तो अल्लाह का मुल्क कैसे देखिए अल्लाह ताला की कुदरत देखिए और अल्लाह की शान देखिए बयान अल्लाह ताला, ताला, ताला जमीनों को अपनी मुट्ठी में लेगा कियामत के दिन और आसमानों को अपने दाहिने हाथ में लपेटेगा फिर कहेगा आनल मलिक मैं हूं बादशाह आई एम किंग मैं हूं मलिक मलिक क्या बादशाह है जमीन के बादशाह अल्लाह क्या है नहीं? खुशी होती है, है। कितना देखो बच्चों एक बात याद रखो आप बच्चे हैं यार कल नौजवान होंगे उसके बाद बूढ़े होंगे इंशाल्लाह फिर चले जाएंगे जिंदगी भर याद रखना इस पॉइंट को कि अल्लाह बहुत बड़ा है इससे जुड़े रहना बस तो क्या पूरे काम हो जाते है? इस इसको खुश रखना किसको अल्लाह क्या है भाई देखिए हदीस देखिए क्यामत के दिन अल्लाह ताला सारी जमीनों को अपनी मुट्ठी में लेगा कुरान की आयत पढ़ता हूँ वल يوم जमीन अब مطويات तुम ये आयत है कुरान की जमीन पूरी की पूरी Allah की मुठी में होगी और आसमान आसमान लपेटे हुए होंगे अल्लाह के दाय बाद अल्लाकी में बादशाह है दिलों पर हुकूमत आप देखिए मैं आपको एक बात बताऊ दिलों पर हुकूमत अल्लाह तला दिल बदलता है कल कब कल क्या कल ही था ना दर्श नहीं था वहां हमारे दावा सेंटर में तकरीम अल तकरीब अलमुसलमिनजुद का प्रोग्राम था कल न्यू मुस्लिम्स को इज्जत देना गिफ्ट देने का प्रोग्राम था इन्हें लास्ट टू मंथ्स में जो जो लोग कलमा पढ़े उनको बुला के गिफ्ट दिए इनाम दिए डिनर का प्रोग्राम था कल रात में ठीक है अब दिलों पर हुकूमत अल्लाह की कैसी चलती है जरा देखिए जामिया एरिया मालूम है ना वहां से केरला के न्यू मुस्लिम आए इमरान साहब सुनिए केरला के एक न्यू मुस्लिम साहब आए उनको लेकर आए एक पाकिस्तानी भाई जिनकी गाड़ी थी पाकिस्तानी तो माशाल्लाह मुसलमान ही होते हैं। एक और एक उसका दोस्त आया बिहार का वो है नॉन मुस्लिम था <laughs> वो भी साथ में आया केरला के चलो वो प्रोग्राम है मैं भी साथ में चलना यार वो बोलते ना चलना यार तो चलना यार बोल के आगे हो पता चला कि भाई ये नहीं है मिल्ल इस्लामिया में मुस्लिम नहीं है उनको बिठाकर मगरिब और ईशा के दरमियान इस्लाम की दावत दी गई ईशा 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 की इशा, की की अजान अजान नहीं सॉरी से थोड़ा पहले अजा हो गई ईशा की जमात ठहरने वाली थी बस उनको दावत दी गई दावत दी गई दावत दी गई जमात खड़ी हो गई अल्लाह हो बारो हाँ बुला रहा है अल्लाह तला पढ़ेंगे जिंदगी की पहली नमाज पढ़ लो निकल नहीं रहा है कलमा दिल से राजी है डर अम्मी का ऑपरेशन अम्मी का ऑपरेशन नहीं, अभी नहीं ऑपरेशन के बाद पढ़ ला तू कलमा अरे भाई ऑपरेशन तक क्या गारंटी है उनका ऑपरेशन आपका मसला खत्म हो सकता है एक पल की खबर नहीं है तो आप कैसे ऑपरेशन तक वेट करेंगे आप निकालो निकालो निकल रहा नहीं कलमा आखिरकार अल्लाह अकबर सुरह फात शुरू हुई पहली रकात की कलमा पढ़ ली जिंदगी की पहली नमाज पढ़े ईशा अलहमदुल्ला अल्लाह दिलों पर करता है। अल्लाह ने उनको तोहफी दे दी अल्लाह ने हिदायत दे दी आए थे छोड़ने और खुद दाखिल हो गए अल्लाह दिलों पर मैया शाहौ मैया शाह अल्लाह के हाथ में सब कुछ अब देखिए पत्ता भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं गिरता है तो अल्लाह मालिकल मुल्क है और अल्लाह का कोई okay, बादशाह नहीं अल्लाह अल्लाह अल्ला पर किसी को हुकूमत नहीं अल्लाह की हुकूमत हर चीज पर है हुक्म अल्लाह का हर चीज पर चलता है बगैर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हुक्म से क्या क्या हुआ मालूम है कुरान में कितने वाक़ है सिर्फ इशारा कर दो तो याद होगा आपको याद आ जाएगा समंदर में रास्ते अल्लाह के हुक्म से बन गए आग ठंडी हो गई अल्लाह के हुक्म से काफिर हमारे नबीम अबू बकर पकड़ने के लिए करीब तक आए लेकिन नहीं पकड़ सके अल्लाह ने बचा लिया ऐसी ढेर सारी मिसालें मौजूद ठीक है और अल्लाह के हुक्म से जो है चांद के दो टुकड़े भी हो गए ये है अल्लाह हकी मालिक वाला को शहीद

कुछ पल के लिए एक पल जिसको उर्दू में कहते हैं एक पल के लिए कोई अल्लाह का मोहताज नहीं है बास वक़्त हम अल्लाह के मोहताज हैं टाइम पे ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है। वला किसी को यह चीज नहीं है मतलब हम सब पल पल लमहा लमहा के मोहताज है हम सबको अल्लाह की जरूरत है हर मखलूक को अल्लाह की जरूरत है। पल भर के लिए कोई बेनियाज नहीं है खाना अल्लाह खिलाता पानी अल्लाह पिलाता सांस ले रहे हैं हम ये जो जिंदगी चल रही है चल रही हमारे जिसम में किसके से चल रही हैं? ये जो हम ज़िंदा बैठे हुए बात कर रहे हैं सुन रहे किसके और ये दुआ में अल्लाह के वसल्लम ने भी बयान फरमाया मशहूर दुआ जो मुसीबत के वक्त की दुआ है वसल्लम की रहमतक का

जिक्र किया बल्कि दो हदीस है बताना भूल गया मैं पहली हदीस है सही मुस्लिम की दूसरी हदीस सही बुखार सही की दोनों को सुन लीजिए दोनों से रिवायत है के से से फरमाते, फरमाते हैं है है, किसका अल्लाह का किबरियाई उसकी चादर है जो लड़ेगा या इसको छीनने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला कहता है मैं उसको आदाब दूंगा इज्जत वो तो इज्जत का मालिक कौन है अल्लाह ताला है और खिबरियाई अल्लाह की चादर है क्योंकि वो बड़ा है मालिक है वो हर चीज का लिहाजा अगर कोई इसको हासिल करने की अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करेगा इसके अल्लाह उसको आदाब देगा दूसरी हदीस अबू हर फरमाते नबी फरमाया सबसे बदतरीन शख्स बदतरीन नाम क्यामत के दिन अल्लाह तला के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन नाम है मलिकुल अमलाक बादशाहों का बादशाह इससे पहले भी हमने किताबना पड़ा शहनशाह ये लफ्ज जो है बोलना जायज नहीं है शाहनशाह जिसको हम शहनशाह कहते हैं बादशाहों का बादशाह कौन है बादशाहों का बादशाह अल्लाह है इंसान के लिए नाम रखना सबसे बदतरीन नाम अल्लाह तारे ना। बुरे नाम बहुत सारे होते हैं ना जिसमें जो है शिरक होता है अब्दुल रसूल अब्दुलनबी गुलाम नबी वगैरह सब गलत नाम है ये अल्लाह के नजदीक पसंदीदा नाम नहीं है ये सब लेकिन सबसे बदतरीन नाम अल्लाह के नजदीक अगर किसी आदमी का ये नाम रखा जाए तुसम्माजुल तुसम्मा, तुसम्मा तस्मा मलिकल ला मालिक इल्ला अल्लाह नबी फरमाते हैं मालिक सिर्फ अल्लाह तआला है हकीकत में बादशाहों का बादशाह अल्लाह तआला है लिहाजा इंसान को ये बोलना कि ये बादशाहों के बादशाह हैं वैसे बोलते हैं ना अल्लाह खुश करने के लिए अशरफिया डॉलर लेने के लिए पैसा लेने के लिए खुश करने के लिए आप तो बादशाहों के बादशाह हैं

सब सब मालदार भी बादशाह भी पैगम्बर भी वली भी साल भी ताल भी सब अच्छे बुरे सब अल्लाह के महताज हैं सब क्या है अल्लाह के महताज है अल्लाह ताला तारीफों वाला है और अल्लाह ताला बेनियाज़ है और तारीफों वाला है एक हदीस इस सिलसिले में आई है कि कैसे हम सब अल्लाह के मोहताज है बड़ी प्यारी हदीस है सही मुस्लिम की हदीस है अबू दर गफ़ारद हदीस के रावी है। अल्ला के हैं अल्लाह के नबी सल्लाम फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया हदीस खुद सी है याबादी जबरदस्त तो हदीज़ें बच्चे याद करना याद रखना है हदीसें अब तक कितनी हदीसें हो गई आज के दरस में चार पांच तो हो गई ना अब उसमें कितनी यादें नहीं पता याद रखी हदीसों को अरबी ना सही उर्दू में याद रखी हदीसों को अल्लाह के नबीम फरमाते हैं अल्लाह तला ने फरमाया अबादी ए मेरे बंदो बहुत अच्छी हदीस ए मेरे बंदो खुल्लु कुम्बाल तुम सब भटके हुए हो इल्ला मन हद सिवाय उसके जिसको मैंने रास्ता दिखाया मैंने जिसको हिदायत दी वही हिदायत पर है बाकी सब अहदिकुम, मुझसे हिदायत तलब करो मुझसे रास्ता मांगो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा यादी मेरे बंदो कुल्लुकुम जाए मन तुम तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैंने खिलाया अल्लाह जिसको खिलाए वो ही खा सकता है बाप अल्लाह ना खिलाए तो बाकी सब भूखे हैं तुम तो सब भूखे मुझसे खाना मांगो मैं तुमको खिलाऊंगा अल्लाह क्या बात है देख लीजिए खाना अल्लाह से मांगो मैं खिलाता हूँ जैसे कि हदीस में है ना अल्लाह तला की के दिन बंदे से कह मेरे बंदे मैं भूखा आया था तेरे पास तूने खाना नहीं खिलाया मुझे बंदे को बच्चे याद कर बच्चे बड़े सब बच्चे बड़े बच्चे ने खाली हाँ औरतें भी अल्लाह ताला कहेगा बंदे से क्यामत के दिन हशमत साहब ऐ मेरे बंदे मैं भूखा आया था तूने मुझे नहीं खिलाया बंदा कहेगा यार अब तू रस्साक तू सारी दुनिया को रिस्क देने वाला तू भूखा आया था अल्लाह ताला फरमाएगा फला बंदा मेरा आया था तेरे पास खाना मांगने तूने नहीं खिलाया उसको बंदे को तूने मेरे नहीं खिलाया तो रजाक अल्लाह ताला है खिलाने वाला कौन है यहाँ अल्लाह ताला यहां अल्ला कहता है मैं जिसको खिला दू वो भूखा नहीं रह सकता खिलाता हूं मैं तुमको खिलाऊंगा कुरान में अल्लाह ने फरमाया वह वह यू तो एमो वाला तो अल्लाह खिलाता है खाता नहीं है खाता नहीं है अल्लाह तला क्योंकि वो बेनियास है खाने से खिलाता है इंसानों को तो खाना अल्लाह खिलाता है तो किससे मांगना खाना अल्लाह से मांग चलिए या आर इल्ला मन फस्तक सुनी मेरे बंदो तुम सब नंगे हो उसके जिसको मैंने कपड़ा, दिया। कपड़ा, मांगो, मैं कपड़ा मैं तुमको पहनाऊंगा ये भी तो इस हदीश में तीन चीजें बयान फरमाई टुकड़ा है मुझसे जो है क्या हिदायत मांगो खाना मांगो कपड़ा मांगो मतलब ये सब जरूरत है ना हमारी हिदायत की हमको जरूरत है खाने की हमको जरूरत है कपड़े की हमको जरूरत है, हर चीज़ की हमें है और हर चीज देने वाला कौन है गिना इसीलिए हम अल्लाह से बेनियाज नहीं हो सकते हम सबको अल्लाह की जरूरत है चलिए रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बड़ी अच्छी बातिया जो हमेशा खुश रहना चाहता है चाहते हम लोग हमेशा शादतमंद खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो है, है। इन लगा, लगा है। तो है, हमेशा खुश रहेगा क्यों क्योंकि अल्लाह उसको खुश करेगा जो मांगेगा जो चाहेगा जो जरूरतें होंगी जो हाजतें होंगी अल्लाह तला पूरी करता रहेगा चलिए इसके बाद वो मन फिन ये हमने पढ़ा कि जो ये समझे ये समझे कि मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं है पल भर के लिए भी अगर कोई इंसान ये समझता है कोई मखलूक ये समझती है तो फिर वो काफिर हो जाएगा इंसान के बारे में कहा कि वो काफिर हो जाएगा अल्लाह है कि इंसान सरकश हो गया है इंसान सरकशी करता है समझता है कि वो बेनियाज हो गया उसको अल्लाह की जरूरत नहीं है वह कहा वारा और वो हलाक लोगों में से हो जाएगा ना जहन्नम में जाएगा वो क्यों क्योंकि वो ये समझता है कि उसको अल्लाह की जरूरत नहीं है अगर कोई ऐसे समझता है तो वो जहन्नम में चला जाएगा हम सब अल्लाह के मोहताज हैं समझ में आया ना इंशाल्लाह चलिए हदीस में नबी नबीम ने फरमाया ला फरमायालबी मिसातर यह इंसान जो ये समझता है मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं है इसके दिल में किब्र होता है सब ये तकबर की अलामत है ये घमंड की निशानी है आपने समझना मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं है मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं है तो ये तकबुर है और ऐसा इंसान जिसके दिल में जर्रे के बराबर किब्र होगा जन्नत में नहीं जाएगा ये बात अल्लाह के नबी मोहम्मद ने बयान फरमाई उसके बाद आखिरी बात एक सौ इक्कीस वबू व अल्लाह की दो अहम सिफात यहाँ पर बयान की गई हैं वो ये कि अल्लाह गुस्सा होता है अल्लाह राजी भी होता है अल्लाह नाराज भी होता है अल्लाह राजी भी होता है यब गुस्सा होना गुस्सा होना अल्लाह तला की एक सिफत है या रदा खुश होना अल्लाह ताला की एक है। खुश होना बोलिए या राजी होना बोलिए ये दो सिफात है की रोशनी में अल्लाह तुस्सा भी होता है अल्लाह खुश भी होता है याद रखना वैसे, वैसे नहीं जैसे क्या मतलब यानी इंसान मखलूक मखलूक पे मखलूक पे सब आएंगे क्योंकि तो गुस्सा सिर्फ इंसान नहीं होता है जानवरों को भी गुस्सा आता है, हैवानात को भी गुस्सा आता है तो ये जो मखलूक का गुस्सा है ऐसे नहीं अल्लाह गुस्सा होता है और मखलूक खुश भी, भी होती है ना तोता खुश हो गया बिल्ली खुश हो गई जानवर खुश हो गया इंसान खुश हो गया जिन भी खुश हो गए तो अल्लाह की खुशी इंसान मखलूक की जैसी नहीं है ना उसका गुस्सा मखलूक की तरह ना उसकी रबा मखलूक की तरह

याद दिला रहा हूं मैं सिर्फ ठीक है? इनाम के चॉकलेट भी है सोना नहीं बच्चे। अल्लाह के नबी नबीम क्या फरमाते हैं जो शफायत है आखिर में किसके पास जाएंगे, के जाएंगे तो वहां उस हदीस में एक जुमला है जिसमें अल्लाह की एक सिफत साबित होती है क्या है गुस्सा क्या है वो सुनिए इन बेशक मेरा रब आज गुस्सा हुआ है आज मेरा रब गुस्सा हुआ ऐसे कि इससे पहले कभी ऐसा गुस्सा नहीं हुआ न इसके बाद कभी ऐसा गुस्सा होगा ये क्यामत के दिन और उसी में लोग भागेंगे शफात वाले आज मेरा रब ऐसे गुस्सा हुआ है जो इससे पहले भी नहीं हुआ आइंदा भी नहीं होगा तो इससे क्या मालूम हुआ अल्लाह अल्ला राजी भी होता है, है।, है। हो नक्श कदम पर चलने वाले ईमान वालों से वन वो लोग अल्लाह से राजी हैं अकबर फुर्ला बहुत बड़ी चीज है

अलैहा शोरबा हमदरबरबा अलैहा अल्लाह ताला राजी हो जाता है बंदे से अल्लाह ताला बंदे से राजी हो जाता है जब वो खाना खाए निवाला खाए खाना खाए अल्लाह की तारीफ करे पानी पिए अल्लाह की तारीफ खाना खाता है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है पानी पीता है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला इससे क्या हो जाता है तो अब क्या बात मालूम हुई कि अल्लाह गुस्सा भी होता है और राजी भी होता है लेकिन इंसानों के जैसे नहीं क्यों क्योंकि अल्लाह इंसान नहीं है ना अल्लाह कौन है रब है खालिक है उसका गुस्सा उसकी जात के लायक इंसानों का गुस्सा इंसानों की जात के लायक एक कायदा याद रखिए जो सिफात है ना वो जात के जबार से होती है ये याद रखिए पॉइंट जैसी जात वैसी जुमला मैंने बहुत पहले पढ़ाया था जैसी जात वैसी सिफात अब बिल्ली का भी गुस्सा है इंसान का गुस्सा बिल्ली का गुस्सा सेम सेम जैसी बिल्ली वैसे उसका गुस्सा है करती चिल्लाती पकड़ लेती भाग जाती ये करती। है करती गुस्सा होती आंखें दिखाती उसको उतना गुस्सा है इंसान का गुस्सा क्या है सर फोड़ देता कतल कर देता तलाक 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 बोल देता ये उसका गुस्सा है जिनों का गुस्सा तो पता नहीं हम देखे न किसी को भी कुत्तों का गुस्सा लग रहता हर जात जैसी जात वैसी सिफात हरे का गुस्सा बड़ी बच्ची का गुस्सा एक औरत एक माँ का है। बेटी का गुस्सा बेटी नहीं मम्मा मैं खाटू खाना नहीं खाटूंगे वो तो तो पोते अजीब दुमले उसके रहते हैं प्यारा सा गुस्सा रहता है छोटी बच्ची का गुस्सा है ना छोटे छोटे बच्चे घर में है ना उनका गुस्सा देखिए हर जैसी सिफात इंसानों में जब सिफात में डिफरेंट है खालिक मखलूक में डिफरेंट नहीं होगा जैसा खालिक वैसा उसकी उसकी सिफात अल्लाह की शान जैसी वैसे उसका गुस्सा इसलिए अल्लाह के गुस्से से अपने आप को बचाना और इसी तरीके से खुशी बंदा जैसे उसकी खुशी जैसे वैसे उसकी खुशी समझ में आ रहा है या नहीं इंसान को जब गुस्सा आता है तो खून क्या हो जाता है रनिंग 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 फुल रनिंग इनाम चॉकलेट के साथ मेरे जेब से एक इनाम भी जाएगा इंशाल्लाह बच्चों में से उस बच्चे को जो बता दे हमको क्योंकि खत्म हो रहा है है हमारा गुस्से का इलाज क्या है? फुल गुस्सा आ गया रेड रेड हो गई गई बॉडी पूरी कैसे हो रेड़ रेड़ हो रेड रेड जाती है बॉडी पूरी ऐसे रेड रेड जब बॉडी हो गई मम्मा को फुल गुस्सा आ गया पप्पा को बाबा को फुल गुस्सा आ गया रेड रेड उस वक्त एक इलाज है जो बच्चे फौरन कर सकते हैं घर में नो नीड टू कॉल डॉक्टर

मैं एक ऐसी बात जानता हूं अगर ये पढ़ ले तो ये गुस्सा है ना ये ये खत्म हो जाएगा लिहाजा पढ़िए को गुस्सा पढ़िए बोलो खुद को गुस्सा आ जाए तो भी क्या करना, करना? करना। बच्चों ने जो और इलाज बताया जैसे और आपने बेटे पानी पीना या क्या हैं वजू करना ये भी इलाज है सब इलाज डिफरेंट होते हैं कई टैबलेट्स काम करती है लेकिन एक बिग टैबलेट होती है खतरनाक तो उसको हमने यहाँ पर बताया तो देखिए यहाँ बात खत्म हो रही है हमारी अल्लाह तबारक वाली की सिफात में से ये दो सिफात है सी गुस्सा होना राजी होना इंसान को चाहिए कि इंसान देखे कि अल्लाह किन चीजों से गुस्सा होता है तो अल्लाह गुस्सा नहीं होगा और अगर अल्लाह गुस्सा हो जाए तो गया दुनिया भी गई आखिरत भी गई अल्लाह खुश होता है अल्लाह किन चीजों से राजी होता है उसको चेक करना एक ईमान वाले की जिम्मेदारी होती है वो काम करना जिससे अल्लाह खुश होता है वो काम करना है जिससे अल्लाह खुश होता है क्योंकि बच्चों को ज्यादा हमने अब बताया है तो बच्चों को यह भी हदीस बताकर हम अपनी बात को खत्म करते हैं चॉकलेट वालों को चॉकलेट दे देंगे इनशाला वो क्या है अल्लाह के नबी सम के एक सही हरीस है जिसमें आपने फरमाया पेरेंट्स अगर राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है माँ मा बाप खुश हैं तो अल्लाह भी खुश है माँ मा बाप नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है लिहाजा अल्लाह को राजी करने का एक अच्छा तरीका क्या है मम्मी अबा को भी राजी रखना उनको खुश करना कुरान हदीस की रोशनी में अल्ला तला हम सबको तोफीक दे के हम अल्लाह तबारक की जो है सिफात पर ही मानना है तो ये बात याद रखना कि अल्लाह की दो सिफात हैं और उसकी जत के जैसी किसी की जात नहीं तो उसकी सिफात की जैसी भी किसी की सिफात नहीं है अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जजाकुमुल खैर कफारतु मजलिस पढ़ लें सुमा कलाहुमा भी हम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफुरुक व